Hi friends, today I'll be talking about a very interesting, very useful topic for my trans men friends. So the most frequent query, the question they ask me about the top surgery is keyhole versus double incision. Kab keyhole karwani hai, kab double incision karwani hai. So वो है मेरी keyhole हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, but results अच्छे नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, किसमें keyhole करनी है, किसमें double incision करनी है. मेरा इतना size है, मेरा ब्रेस्ट साइज इतना है तो मेरी कीहोल हो जाएगी. इट इज नॉट ओनली द ब्रेस्ट साइज विच इज इम्पोर्टेंट, इट इज ऑल्सो कि ब्रेस्ट साइज के साथ साथ आपकी स्किन लूज कितनी है, निपल की पोजीशन कैसी है. अगर रिक्वायर्ड है तो डबल इंसिजन ही करवानी चाहिए. डोंट बी स्टबर्न कि नहीं मुझे तो कीहोल ही करवानी है. तो उसके अंदर तीन फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड आते हैं कि कब कीहोल होगी और कब डबल इंसिजन होगी. एक साइज, सेकेंड कितनी लूज स्किन है, थर्ड आपकी निपल की पोजिशन क्या है. सो फ्रेंड्स, आप आइए मुझसे बात करिए, हम बैठ के बात करेंगे कि कब आपको डबल इंसिजन करनी है, कब आपको की होल करनी है. और आई एम होपफुल मैं आपको दोनों के फायदे और नुकसान बता के आई ट्राई टू कन्विंस यू फॉर द बेस्ट. थैंक यू.